जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। और आप जो सपोर्ट और प्यार कर रहे हैं ना, आपका दिल से बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, आपको आनंद में रखे, बस मेरी यही दुआ है। और आप हमेशा खुश रखे, बस मेरी इतनी सी दुआ है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सप्ताह के 7 दिनों में से हमें इन दिनों बाल ना कटवाना चाहिए, जाने अनजाने में बाल नहीं कटवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो ग्रह है ना, वो हमारी छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी हरकतों और छोटी छोटी बातों से ही मजबूत किए जा सकते हैं, और छोटी छोटी हरकतों और गलत बातों से हम हमारे ग्रहों को नेगेटिव कर सकते हैं, और उनका हमें परिणाम भी नेगेटिव मिलता है। तो ये उसी कड़ी में ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बाल भी जो है हमारे शरीर का एक अंग, शरीर का एक भाग है, मतलब हमारे शरीर के लिए, शरीर से जुड़ा हुआ ही है। तो उसे कब कटवाना चाहिए, किस दिन कटवाना चाहिए, उस पर आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। इससे आपके कई सारे ग्रह जो हैं डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि बाल जो है सुंदरता का प्रतीक है, बाल शनि का प्रतीक है, बाल राहु को भी केंद्रित करता है। तो अब इसी स्थिति में जो है आप कब किस दिन बाल कटवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपको जानना ज़रूरी है, और आप गलती से भी किसी अन्य दिन बाल ना कटवाएं। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूं और अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, और कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ें। दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि जब भी हमें बाल बनवाना है तो सप्ताह में, अगर बनवाना है आपको बाल, तो सबसे अच्छा जो दिन है वह संडे के दिन, और आमतौर पर उस दिन छुट्टी होती है, तो ये सभी की मान्यता है कि हम संडे के दिन बाल कटवाते हैं। तो सबसे पहला दिन जो, जिस दिन आप संडे के दिन बाल कटवा सकते हैं। दूसरा बात वो है कि भूलकर भी आप मंगलवार और गुरुवार, ये 2 दिन भूलकर भी बाल ना कटवाएं। आमतौर पर बहुत जगह मंगलवार दुकानें बंद होती है, गुरुवार भी बंद होती है, कहीं सारे शहरों में, कहीं सारे गांवों में, कहीं सारे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मान्यता है। लेकिन इन 2 दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो मंगलवार और गुरुवार, इन 2 दिन चाह कर भी भूल कर नाखून बाल हमें नहीं काटना चाहिए। क्योंकि मंगलवार जो होता है वो मंगल का दिन होता है, गुरु जो होता है हमारे गुरुदेव का दिन होता है, उस दिन साफ सफाई के लिए जो दिन है, जो डेडिकेटेड दिन है, वो शनिवार रविवार है। आप रविवार के दिन साफ़ सफाई कर सकते हैं, और शुक्रवार भी आप बाल कटवा सकते हैं, शुक्रवार भी आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो ये 2 दिन ही करें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाभ मिलेगा। और महिलाओं के लिए जो, अगर वो श्रृंगार के लिए, जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर का जो फैशन है, तो अगर वो बाल अपने कटवाना चाहते हैं, जैसे सेट करवाना चाहते हैं, तो वो सोमवार के दिन करें, क्योंकि ये दिन सबसे ज़्यादा उनके लिए शुभ होगा। बाकी मंगलवार और गुरुवार भूल कर भी आप बाल कटवाने से जितना हो सके उतना बचें, क्योंकि इससे नकारात्मकता आती है, इससे कई सारे हमारे ग्रह जो है डिस्टर्ब होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर फोन में ले सकते हैं।